हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा कि लेंस किसे कहते हैं। इसको बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा और आपका जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में बता देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो शुरू करते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि लेंस के प्रकार और लेंस किसे कहते हैं। इसको बहुत ही आसानी तरीके से मैंने समझाया बोर्ड पे, तो देखते हैं लेंस के प्रकार, ताकि आपको एक एक तत्व तो इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन पूछ देगा और जो पूछे आपको बहुत ही आसानी तरीके से कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर मैं बात करूँ, लेंस एक प्रकार का प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अगर इसमें पूछ दे कि लेंस किस सिद्धांत में काम करता है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन पे काम करता है। अगर दूसरे इस फैक्टर में क्या लिखा है, यह लगभग हमेशा गोलाकार होता है, यानी कि अगर यह गोलाकार है तो इसकी वक्रता त्रिज्या एक निश्चित होगी। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। जिसका उभरा हुआ भाग होगा वो उत्तल लेंस होता है, जिसका धसा हुआ भाग होता है वो अवतल लेंस होता है। अगर मैं बात करूं, ये एक पारदर्शी माध्यम है, मतलब कि लेंस की मैं बात करूं, इसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे कि मैं अपने चश्मे की बात करूं, एग्जांपल से मैं दे रहा हूं, जैसे कि इसमें एक लेंस है, ये देखिए। लेंस का मतलब कि मैं इधर से भी देख सकता हूं और इधर से, ये पारदर्शी माध्यम है जिसके कारण, जिसे हम लेंस कहते हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, देखो एक बार फिर से मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से रिवीजन कराए दे रहा हूं, इसको देखना। इसमें से दो से तीन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बहुत ही एग्जाम में मदद करेंगे। सबसे पहले पूछ सकता है लेंस किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको बोलना प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अगर दूसरा पूछ दे कि ये किस आकार का होता है, ये गोलाकार आकार का होता है और इसकी वक्रता, अगर गोलाकार आकार का होगा तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो एक स्थिर हो जाएगी, उतने पे रहेगा। अगर ये है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो एक निश्चित हो जाएगी कि इतने पे रहना। और दूसरे की बात करूँ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये पारदर्शी माध्यम है। अगर बात करें, ये पूछ दे पारदर्शी माध्यम है या अपारदर्शी माध्यम है या नन ऑफ दीज, जो भी आपको ऑप्शन में दे, तो पारदर्शी पे आपको टिक लगाना है। और जो भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, मैं उस टॉपिक में मैं वीडियो बना दूंगा। और आपको अगर प्रिज्म में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिज्म में निकाल दूंगा। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।